हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में हम लोग गोवा बोर्ड का जो एसएससी का रिजल्ट है, टेंथ का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता है कि गोवा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, और उन्हें ये भी नहीं मालूम चलता है बिकॉज बोर्ड जो है अनाउंस करके नहीं रखता है पहले। जैसे टाइम टेबल अनाउंस करके रखते हैं हम, ये बोर्ड वाली अनाउंस करके रखते हैं, गोवा बोर्ड की अथॉरिटी अनाउंस करके रखती है कि इतने से इतना एग्जाम रहेगा, पर ऐसा कभी नहीं किया जाता है कि आपको एक्जैक्टली डेट बता दिया जाए कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जो होता है ये एकदम क्रूशियल होता है और कभी भी अनाउंस कर दिया जाता है। एक दिन दो दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे या फिर नहीं इन्फॉर्म करेंगे। क्या होता है कि मे बी चांसेस ऐसे रहते हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, फिर कुछ भी गलती हो सकती है। इसके वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट होता है ना वो अचानक से डिक्लेयर किया जाता है, जिससे बच्चे भी चौंक जाएं और सब लोग कभी भी चेक कर सकें। तो कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत वेबसाइट पे जाएंगे, गलत तरीके से सर्च करेंगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप सही तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे सर्च करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत तरीके से सर्च करेंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही तरीके से सर्च करेंगे तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स गलत वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता उन्हें, या फिर कुछ गलत ही दिखाता है उसमें, शायद फेल दिखाता है या फिर मार्क्स बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा दिखाता है। हर बार एक नया नया रिजल्ट आता है, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत तरीके से सर्च करेंगे तो मैंने पहले बताया आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है गोवा बोर्ड एसएससी रिजल्ट 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जो गोवा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है वो सबसे पहले IAS पेपर पे आती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अभी के अभी। रीज़न सिर्फ इसका ये है कि गोवा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले इसी चैनल पर आएगी और कहीं नहीं आती है। सबसे पहले इंस्टेंटली अगर कहीं आएगी तो इसी चैनल पर आती है। रीज़न उसका ये है कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है गोवा बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स पाने के लिए। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता है कि जो 11th 12th में एडमिशन कब होगा, आपका कॉलेज जो होता है या फिर स्कूल होता है, 11th में एडमिशन कब होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। और 11th के टाइम टेबल, 12th के टाइम टेबल, 12th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट, जो भी आपके फ्यूचर में आने वाले हैं वो सारी चीज़ों को इसी चैनल पर दिया जाएगा। आपकी कौन सी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फील्ड में आप एडमिशन लेंगे तो इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा कैसे एडमिशन लेना है, वो हर एक चीज़ को आपको बता दिया जाएगा अच्छे से। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो कैसे सर्च करना, मैंने बताया आपको गोवा बोर्ड एसएससी रिजल्ट 2020 लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जो गोवा बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट को कवर करती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा बोर्ड का जो 10th का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पे SSC, यहाँ पे IASpaper.net लिख दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा बोर्ड का, ये देखिए गोवा बोर्ड SSC रिजल्ट, IASpaper.net लिख देना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा बोर्ड SSC रिजल्ट 2020 चेक GBSHSE यानी गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। तो यहाँ पे IASpaper.net दिख रहा है, इसे ही ओपन करना है हमें, कोई और ओपन नहीं करना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं गोवा बोर्ड का सेकेंडरी का एजुकेशन का जो रिजल्ट है, सेकेंडरी 10th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है 28th जुलाई यानी आज के दिन ऑनलाइन मोड से। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, GBSHSE बोला जाता है इसे, ये 10th और 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है गोवा में, जो 1975 में बनाया गया था। यहाँ पे ऑफिशियल ये देख सकते हैं रिजल्ट के बारे में, तो गोवा बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। उससे पहले आपको बता दूँ एग्जामिनेशन जो है इवेंट स्टार्ट हुआ था, एग्जामिनेशन 1st अप्रैल 2020 को, एग्जामिनेशन एंड हुआ 22nd अप्रैल 2020 को। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो 28th जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे रिजल्ट की एनालिसिस है, तो यहाँ पे 5th रिजल्ट एनालिसिस देख सकते हैं आप, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कितने परसेंट पास हुए थे, बॉयज वगैरह गर्ल्स के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म दिख रहा है आप इसे ज़रूर भर दें। आपको यहाँ पे अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं, तो मैं गोवा का हूँ तो मैं गोवा पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, गोवा के मैं पंजी का हूँ, गाँव में भी रहता हूँ अगर पंजी के तो भी मुझे पंजी करना पड़ेगा। आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्टेड हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूँ, हाईस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैं एग्जाम्पल 12th देता हूँ, और गेट फ्री काउंसलिंग क्लिक करना आपका जो है, आप उस पर लिखेंगे फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, गोवा बोर्ड से रिलेटेड एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी आपको ईमेल एसएमएस के जरिए मिलती रहेंगी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप उनके पास चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर काफ़ी वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू मतलब क्या होता है, आपको अगर ऑफर्स आ रहे हैं कि आप हमारे पास आइए आगे की पढ़ाई करने के लिए, आप मेरे कॉलेज में आइए, मेरी यूनिवर्सिटी में आइए, मेरे इंस्टीट्यूशन में आइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपको ऑफर्स मिलते हैं, जहाँ पे ऑफर्स मिलते हैं वहाँ पे सिलेक्शन होता है, और जहाँ सिलेक्शन होती है वहाँ पे चॉइसेस होती है। तो गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट फ्री काउंसलिंग पे आप क्लिक करेंगे,
और रिजल्ट आप चेक करेंगे, मतलब आपको डिटेल्स सेव हो जाएगी और फिर आपको ऑफर्स आते रहेंगे एडमिशन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा बोर्ड का एसएससी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है ऑन 28 जुलाई 2020। क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है डेफिनेटली आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल यहाँ देख सकते हैं गोवा एसएससी 10th रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना सीट नंबर डालना जो भी आपका सीट नंबर है। ओके, और यहाँ पे आपका नाम डालना है जो भी आपका नाम है, तो आप अपना नेम डालेंगे। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो डालें। आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं ईमेल @goa.com डाल रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पे आपने सिटी डाल सकते हैं, तो जो भी आपका सिटी है वास्को डा गामा, पंजी, वरना, रे बंदर, सत्तारी, तो मेरा रमबंदर है। ओके, कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं आगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो मैं साइंस में जाना चाहता हूँ। और गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या होगा आपका जो रिजल्ट है वो आपको सामने मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं रिजल्ट स्पेस गोवा 10 स्पेस अपना रोल नंबर, उसको भेजना है आपको 562263 पे, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट आपका सामने मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके गोवा रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसे सॉल्व किया रहेगा। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।